गूगल एडवर्ड्स के पेमेंट की जो पॉलिसी है कभी कभी समझ में नहीं आती है। अगर आप गूगल एडवर्ड्स पे अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं और आपका पेमेंट जो एक बार फेल हो जाता है, दो बार फेल हो जाता है, तो गूगल एडवर्ड्स का अकाउंट ही सस्पेंड हो जाता है। अब ये समझ में नहीं आता कि गूगल एडवर्ड्स ऐसा क्यों करता है। सो गाइज, अगर आपका कोई गूगल एडवर्ड्स का अकाउंट है और आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गूगल एडवर्ड्स पे जब हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो क्यों हमारा पेमेंट जो है अनसक्सेसफुल हो जाता है, क्यों फेल्ड हो जाता है, और अगर पेमेंट हमारा फेल्ड हो गया तो कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है और क्यों हमारा पेमेंट फेल होता है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल का काम, मेरा नाम राहुल राय है। तो दोस्तों, जो सबसे पहली बात है कि गूगल एडवर्ड्स कभी भी पेमेंट फेल नहीं करता है, कभी भी अपने तरफ से पेमेंट अनसक्सेसफुल नहीं करता है। पेमेंट अनसक्सेसफुल जो होता है वो बैंक की तरफ से होता है, यानी आपका क्रेडिट कार्ड जिस बैंक से है उस तरफ से प्रॉब्लम होती है, यानी बैंक की तरफ से प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आपका पेमेंट जो है अनसक्सेसफुल हो जाता है। अब चूंकि गूगल एडवर्ड्स को क्या लगता है, जितने भी पेमेंट अनसक्सेसफुल लगते हैं गूगल एडवर्ड्स को ये लगता है कि अनऑथराइज एक्टिविटी हो रही है हमारे अकाउंट पे, जिस वजह से क्या है कि दो या तीन बार अगर पेमेंट आपका फेल हुआ तो आपका अकाउंट जो है पूरा सस्पेंड हो जाता है, फिर उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका पेमेंट जो है फेल होता है या अनसक्सेसफुल होता है क्रेडिट कार्ड का आपके गूगल एड्स के अकाउंट में, तो आपको कुछ चीजें चेक कर लेनी होगी। पहले, आप जब भी पेमेंट करेंगे आप अपने गूगल एडवर्ड्स के अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से, तो आप कुछ चीजों का ध्यान देंगे। जैसे आप एक्सपायरी डेट अपने क्रेडिट कार्ड का सही से फिल करेंगे, आप अपने कार्ड का नंबर सही से डालेंगे, आपका जो पीछे एक पिन होता है, दो तीन नंबर होता है, सीवीवी नंबर जिसको बोलते हैं, वो ध्यान से डालेंगे, क्योंकि आपको जो डेटा फीड करना है वहाँ पे आपको ध्यान देना हो कि कहीं आप गलत ना डालें, क्योंकि आप गलत डेटा डालेंगे तो आपका पेमेंट अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये चीज़ पहले देख लो कि कहीं मैंने अपनी तरफ से जो भी हमारी डिटेल है कार्ड की उसमें सही तो डाला है कि नहीं डाला है। और दूसरी चीज़, जैसा कि आपको पता है कि गूगल जो है ये यूएसए की कंपनी है, यानी इंटरनेशनल कंपनी है, तो इंडिया के कई सारे बैंक्स हैं और कई सारे बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स हैं जो आपको फॉरेन पेमेंट अलाउ नहीं करते हैं, यानी गूगल एडवर्ड्स हो गया या अदर कोई भी साइट हो गई जो इंडिया से बाहर की हो गई, और अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे पेमेंट। तो इसके लिए क्या करना होता है कि आपको अपने बैंक में कस्टमर केयर को कॉल करके उनको बोलना होता है कि आप मेरे क्रेडिट कार्ड का जो है इंटरनेशनल पेमेंट ऑन कर दो, ताकि मैं बाहर अगर कहीं पेमेंट करना है तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकूं। अगर आप इस तरह से कस्टमर केयर से बात करोगे तो आपके क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट का वो इनेबल कर देंगे, तब आप गूगल एडवर्ड्स पे जैसे ही आप पेमेंट करोगे क्रेडिट कार्ड से तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अब ये दोनों चीज़ें आपने कर ली, आपके तरफ से सही है, फिर भी पेमेंट जो अनसक्सेसफुल होता है, तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड के कस्टमर केयर में बैंक में कॉल करना होगा और उनको बताना होगा जो पेमेंट फेल्ड हुआ है, ये मेरी ट्रांजेक्शन डिटेल है और गूगल एडवर्ड्स पे मैं पेमेंट कर रहा था, गूगल को मैं पेमेंट कर रहा था, बट मेरा पेमेंट जो है अनसक्सेसफुल हो गया, फेल हो गया, क्या प्रॉब्लम है आप लोग बताएं और इसको रिजॉल्व करें। तो आपके भी यहाँ पे बैंक जो है वो आपको इस प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम है पूरी जानकारी आपको बैंक देगा कि इस वजह से आपका जो है पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आप उसको फिक्स कर लोगे। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये दो तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई यही मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से पेमेंट अनसक्सेसफुल होता है। तो आप इस तरह से आप अपने इस पेमेंट अनसक्सेसफुल की जो प्रॉब्लम है आप गूगल एडवर्ड्स में इसको फिक्स कर सकते हैं, और इस बात का अगर ध्यान देते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपका कभी भी पेमेंट अनसक्सेसफुल नहीं होगा, फेल नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।